मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के एक वीडियो का टॉपिक है, प्रैक्टिकली वीडियो का टॉपिक है। इसमें बहुत छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने जा रहा हूं, तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपको फोकस करना है। ओके दोस्तों, इसमें कंप्लेन आ रहा था कि स्पार्किंग कर रहा था और IGBT उड़ जा रहा था। तो सबसे पहले दोस्तों स्पार्किंग क्यों कर रहा था, दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे हमारा ब्रिज एक्टिफाइड डायोड है, इसके नेगेटिव पॉइंट से यहां पे एक जम्फर लगा रहता है जिसको बहुत कोई संट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और दोस्तों ये रेजिस्टेंस के माध्यम से, संट रेजिस्टेंस के माध्यम से जो IGBT का एमिटर होता है को कंट्रोल करता है, कितना करंट चाहिए ए लिमिट करंट इसको देता है। ओके दोस्तों, अगर क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे स्पार्किंग होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, यहां पे मॉइस्चराइजर आ गया होगा, इसके नाम से यहां पे कार्बन आ गया है। अगर दोस्तों आपको मान लो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो सबसे पहले यहां पे संट रेजिस्टेंस को बदलना है। संट रेजिस्टेंस को बदलोगे तो सबसे पहले इसकी जो लंबाई तो सही रहेगी, इसकी जो मोटाई है इसको सेम रखना पड़ेगा। ये भी एक रेजिस्टेंस की MM में आती है। संट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक MM में आती है, कितनी वैल्यू की होनी चाहिए नॉर्मली। ओके तो सबसे पहले दोस्तों इसकी जो मोटाई है आपको सेम रखना है। अगर ज्यादा मोटाई इसका लगाते हो तो आपका ज्यादा एम्पियर लेगा, IGBT को ज्यादा एमिटर को करंट मिलेगा, क्योंकि IGBT जो स्विचिंग होती है आपका यहाँ पे IGBT के एमिटर से ही कंट्रोल स्विचिंग होती है। ओके क्योंकि इसी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है एमिटर पे। तो दोस्तों इसी के नाम से यहाँ पे लिमिट करेंट के लिए यहाँ पे संट रेजिस्टेंस का उपयोग करता है। लगभग 90% से ज्यादा इंडक्शन में यहाँ पे संट वाला रेजिस्टेंस यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कार्बन आ जाता है तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, उसको कार्बन को अच्छे प्रॉपर साफ करना है। और साफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक लिक्विड डालूंगा और लिक्विड आपको बताऊंगा कौन सा लिक्विड होता है, या अगर आपके पास लिक्विड नहीं होता है तो यहाँ पे आप टेप भी चिपका सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा कार्बन आ गया। कार्बन की वजह से दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पे स्पार्किंग हो रहा था और यहाँ पे बार बार ये जल जा रहा था यहाँ पे स्पार्किंग होके। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, अगर ज़्यादा स्पार्किंग होता है तो सीधे IGBT को शॉर्ट कर देता है, उससे पहले कि आप इसको अच्छे से प्रॉपर यहाँ पे कार्बन साफ करके दूसरा यहाँ पे संट रेजिस्टेंस लगा सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर अच्छे से यहाँ पे मैंने क्या किया, PCB को थोड़ा सा कटिंग करना पड़ा, यहाँ प्रॉपर अच्छे से साफ हो गया। ओके दोस्तों प्रॉपर आपको यहाँ पे कार्बन साफ करना, नहीं तो फिर से आपके पास एक कंप्लेन आ जाएगा कि यहाँ पे स्पार्किंग करना शुरू हो जाएगा। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे दूसरा संट रेजिस्टेंस यूज करूँगा। दोस्तों आपको मैंने पहले बता दिया था इसके लगाने का कौन सा लगाओगे, इसको ऊपर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ओके अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसको प्रॉपर हो जाने के बाद यहाँ पे अगर मॉइस्चराइजर मत है, यहाँ पे एक लिक्विड डालेंगे, यहाँ पे टेप चिपकाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो लिक्विड हमारे पास है यहाँ पे बोन फिक्स बोलते हैं, मैक्सो ब्रांड का बोन फिक्स इसको बोलते हैं। ओके दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर इसको क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे। अगर दोस्तों मान लो आपके पास लिक्विड नहीं होता है तो ये वाला आपके पास तो टेप जरूर होगा, इसको क्या करना है यहाँ पे टेप को चिपका देना है। ओके प्रॉपर दोस्तों यहाँ पे अच्छा से वर्क, यहाँ पे अच्छा रिस्पांस जो देगा यहाँ पे लिक्विड ही देगा, यहाँ पे टेप तो नॉर्मली यहाँ पे मॉइस्चराइजर भी आ सकता है लेकिन जल्दी नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप मॉइस्चराइजर के बचने के लिए यहाँ पे लिक्विड भी डाल सकते हो, टेप भी चिपका सकते हो। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जल्दी यहाँ पे मॉइस्चराइजर नहीं लगेगा और ना ही जल्दी यहाँ पे स्पार्किंग होगा। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मान लो कि तो एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे मॉइस्चराइजर आता है तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू और बढ़ जाती है और यहाँ पे डिस्टर्ब करता है बार बार IGBT को स्विचिंग के समय में, क्योंकि ये मीटर से IGBT स्विचिंग होता है तो बार बार डिस्टर्ब करेगा। तो इसके वजह से आपका IGBT क्या होता है यहाँ पे बार बार शॉर्ट होने की चांस बनी रहती है। ओके तो दोस्तों ये हमारा आज का छोटा सा प्रैक्टिकली पॉइंट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों अगर आप घर बैठे इंडक्शन का कंपोनेंट लेना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप देख लो, उस व्हाट्सअप में आप हाय का मैसेज करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास एक मैसेज चला जाएगा, उस मैसेज में हिंदी में लिखा रहता है, आप वहां पे पढ़ सकते हो क्या क्या प्रोसेस है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाके rajinduction.com को सर्च करना पड़ेगा और वहां पे शॉप में नेम में जाके वहां पे जितने सारे कंपोनेंट देखते हो वहां पे देख लो, प्राइस देख लो, उसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर में लिख के व्हाट्सएप में ऑर्डर कर दो और आपको एक बिल सेंड करूंगा, पैसा पे करो और 10 दिन के अंदर में आपके घर तक सामान पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों।